एक बड़ी खबर, दरभंगा पुलिस को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। मात्र 6 घंटे के अंदर लूट का सफल उद्भेदन किया है। सफल उद्भेदन एवं घटना कारित करने में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है। आपको बता दें, दरभंगा जिला अंतर्गत बहादुरपुर थाना क्षेत्र के देकुली पिपरौली रोड पर दिनांक 3/8/2024 को समय करीबन 12:30 बजे दिन में अमरजीत कुमार पिता स्वर्गीय जगन साह मखदूमपुर कोदरिया थाना कर्जा जिला मुजफ्फरपुर को APM थाना अंतर्गत ग्राम रतनपुरा से ग्रुप लोन का कलेक्शन करके लौटने के क्रम में 42,800 रुपये लूट लेने की सूचना अपने शाखा प्रबंधक को दिया। शाखा प्रबंधक के द्वारा डायल 112 एवं थाना अध्यक्ष बहादुरपुर को इस घटना की सूचना दी गई। सूचना के आलोक में तत्क्षण थाना अध्यक्ष बहादुरपुर अपने दलबल के साथ घटना पर पहुंचे तथा वादी के साथ पूछताछ किया, तो वादी के द्वारा बताया गया कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अपराधी कर्मी के द्वारा ग्रुप लोन का कलेक्शन का रुपया लूट लेने की घटना घटित होने की बात बताई। उक्त संबंध में वादी अमरजीत के द्वारा लिखित आवेदन भी दिया गया। अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया। तकनीकी अनुसंधान एवं घटना के आसपास लगे CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया तथा वादी के द्वारा जिस रास्ते से अपराधी कर्मियों की भागने की बात बताई गई थी, उस रास्ते में भी लगे CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया, तो उक्त रास्ते में अपराधियों को भागने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। तब वादी अमरजीत कुमार से कड़ाई से पूछताछ किया गया तो घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार करते हुए बताया कि लूट की गई पैसा को देकुली चौक पर स्थित साइबर से अपने सास के खाते पर ट्रांसफर करा दिया तथा उसके पास जो बैग था उसे घटनास्थल पर ही फार्म हाउस के पीछे जंगल में फेंक दिया तथा मोबाइल का सिम भी निकाल कर उसी जंगल में फेंक दिया। बड़ी कार्रवाई भी की गई है, प्राथमिकी दर्ज की गई हुई थी जिसमें गिरफ्तार किया गया है अमरजीत कुमार पिता स्वर्गीय जगन साह को। वही दरभंगा के CTSP शुभम आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। अंतर्गत बहादुरपुर थाना में कल दिनांक 3 अगस्त को लगभग 12:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि अमरजीत कुमार जो व्यक्ति हैं, जो कि शाखा प्रबंधक के द्वारा इनको अधिकृत करके ग्रुप लोन को पैसा जो है कलेक्ट करने के लिए भेजा गया था, इनके द्वारा थाना में आगे सूचना दिया गया कि लगभग 12 के आसपास में इनके पास से कुल 42,000 के आसपास जो पैसा जो इन्होंने रिकवर किया था वो कुछ 2 अज्ञात अपराधकर्मियों ने जो 2 बाइक पर थे उन्होंने इनसे लूट लिया गया। इस सूचना के तुरंत उपरांत थानाध्यक्ष बहादुरपुर ने और टेक्निकल टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के उपरांत इन्होंने तकनीकी अनुसंधान जो है तो सत्यापित रूप से शुरू किया। आगे जब हम जैसे साक्ष्य संकलन हम कर रहे थे तो उसमें कुछ चीजें जो है वो उजागर हुई। तकनीकी रूप से अनुसंधान में ये चीज उजागर हुई कि जो इन लोगों के द्वारा इनके द्वारा जो पूरा अपना थ्योरी बताई जा रही थी, जिस तरह से इनके साथ में घटना कारित हुई थी, उसकी पुष्टि ये नहीं कर पाई जब घटनास्थल पहुंचे। जब हमने और तभी और अनुसंधान के बिंदुओं को और खंगाला तो घटनास्थल के पास से ही हमें एक जो सिम बेसिकली जो मोबाइल इन्होंने बोला था कि हमारे से लूट किया गया है उसका सिम जो था वो बरामद हो गया। जब हमने इनसे और गहनता से संबंधित पूछताछ किया तो ये अपने ही बुने हुए एक जाल लेकर से वहीं पर टूट गए और उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए बोला कि खुद ही इन्होंने एक षड्यंत्र रस्ते जो कंपनी का पैसा था उसको लूटने के लिए इन्होंने ये पूरा अपराध का एक साजिश रचा था और जो पैसा था लगभग 42,000 रुपये इन्होंने अपने सास के अकाउंट में और अपने अकाउंट में क्रमवश इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद में इन्होंने जो छानबीन किया तो इन्होंने वहां से अपना बैग और मोबाइल जो है जो इन्होंने फेंक दिया था छुपा दिया था उसको भी इन्होंने रिकवर करवाया। इसमें इन्होंने आगे एक और बात को स्वीकारा कि पतोर थाना अंतर्गत दिनांक 2 जुलाई को एक घटना हुई थी जिसमें भी इन्होंने इसी तरीके का ही एक अपराध का सूचना जो थी वो पतोर थाना को दी थी और बोला था कि मेरे साथ वहां पर जैसे लूट हुई थी। उसका भी इन्होंने अपना भूमिका स्वीकारते हुए बोला कि उस समय लगभग जो इन्होंने 47,510 रुपये
जो अपने बोले थे कि इनमें से लूट किए गए थे उसका भी इन्होंने ऐसे ही ट्रांसफर अपने ही व्यक्तिगत अकाउंट में किया था। इस पूरे घटनाक्रम को हम लोगों ने उद्भेदन जो किया है वो कुल 6 घंटे के अंदर में किया है। इसमें मोबाइल जो है वो रिकवर किया गया है, बैग रिकवर किया गया है, एवं जो अन्य साक्षी हैं, ये साक्षी हैं जिसमें इन्होंने जो ट्रांसफर भी किया गया था पैसा, उस पैसा को भी इन्होंने ट्रांसफर जो किया गया था मिसाज के अकाउंट में किया गया था, उसका हमने पूरा चैन स्टैब्लिश भी कर लिया है। पैसा भी हमें जल्दी ही उसमें रिकवर कर लिया जाएगा। कहाँ का रहने वाला है ये जो व्यक्ति है? जो ये मखदूमपुर कोदरिया, ये थाना कर्जा पड़ता है मुजफ्फरपुर, इनके वहां के रहने वाले हैं। किस